हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट कार्डिक साइकिल, विच इज द टॉपिक ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। कार्डिक साइकिल क्या? हमारा सीक्वेंशियल इवेंट है हार्ट के अंदर, जो कि साइक्लिकली रिपीट होता रहता है। इसके अंदर दो फेज आते हैं, एक होता है सिस्टोल एंड अनदर वन इज डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ह्यूमन हार्ट के अंदर फोर चैम्बर प्रेजेंट रहते हैं, यानी टू अपर स्मॉलर चैम्बर जिन्हें हम बोलते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, एंड टू लार्जर लोअर चैम्बर जिन्हें हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल को हम बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, यानी एवी वॉल। जो ओपनिंग रहती है प्लमनरी आर्टरी और एरेटा, उसे बोलते हैं सेमिलुनर वॉल। कौन से हमारी प्लमनरी आर्टरी और एरेटा? ये वाली हमारी प्लमनरी आर्टरी है, ये हमारा एरेटा है। इन दोनों की जो ओपनिंग है वो क्या कहलाती है? सेमिलुनर वॉल। प्लमनरी आर्टरी के लिए बोलेंगे प्लमनरी सेमिलुनर वॉल, एरेटा के लिए बोलेंगे एरोटिक सेमिलुनर वॉल। अब कार्डिक साइकिल के अंदर होगा क्या? जब ये चारों चैम्बर क्या हो रिलैक्स थे, यानी जॉइंट डायस्टोल, तो हमारा ब्लड फ्लो होगा। ब्लड फ्लो होगा कहाँ से? विनिकेवा। विनिकेवा से कहाँ का? राइट एट्रियम आएगा। विनिकेवा से कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम। फिर देन इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा? फिर राइट वेंट्रिकल में। फिर प्लमनरी वेन से ब्लड कहाँ जाएगा? प्लमनरी वेन से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ लेफ्ट एट्रियम से आ जाएगा फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। इस स्टेज पर जो हमारी सेमिलुनर वॉल है, ये क्या जो सेमिलुनर वॉल है ओपनिंग है प्लमनरी आर्टरी और एरेटा की, ये क्या रहती है? क्लोज रहती है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे SCN। SCN क्या? हमारा साइनो आर्ट्रियल नोड। कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट रहता है। राइट एट्रियम में प्रेजेंट रहता है कहाँ? राइट अपर कॉर्नर में। इसको हम पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको पेसमेकर ऑफ हार्ट? क्योंकि मैक्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। जब SCN एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, तो इसकी वजह से होगा क्या? आर्ट्रियल सिस्टोल, यानी जो दोनों हमारी आर्ट्रिया हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, क्या करेंगे? साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगा? 30% इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आता हमारा एवियन। एवियन क्या होता है? आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड। कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये भी राइट एट्रियम में प्रेजेंट रहता है, मगर लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। राइट एट्रियम में प्रेजेंट रहता है इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर, क्लोज टू आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या क्या करता है? राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करके रखता है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से। एवी बंडल। एवी बंडल क्या? हमारा आर्टियो वेंट्रिकुलर बंडल, जिसे हम बोलते हैं बंडल ऑफ नोडल फाइबर। एवियन और एवी बंडल, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी जो हमारे दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या? इन दोनों के अंदर वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा। और जो हमारी एवी वॉल है, यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल है, ये क्या रहेंगी? क्लोज रहेंगी, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो बैक इनटू द एट्रियम्स। अब जैसे जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर वेंट्रिकल्स के अंदर, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारी सेमिलुनर वॉल जो की ओपनिंग है प्लमनरी आर्टरी और एरेटा की, वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो फ्लो के कहाँ जाएगा? प्लमनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड फ्लो के कहाँ जाएगा? एरेटा में, और ब्लड हमारे फ्लो करेगा इन सर्कुलेटरी पाथवे में। एक बार ब्लड प्लमनरी आर्टरी और एरेटा में आने के बाद हमारा आ जाता है वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल यानी जो वेंट्रिकल है, अब वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और जो हमारी सेमिलुनर वॉल है वो क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी, ताकि जो प्लमनरी आर्टरी और एरेटा का ब्लड है वो बैक वापस से राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आ जाए। अब जैसे जैसे वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, डिक्लाइन होता जाएगा, तो हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, यानी जो हमारी ट्राइकस्पिड है वॉल्व है और जो हमारी बाइकस्पिड वॉल्व है, वो क्या हो जाएंगी? वापस से ओपन हो जाएंगी, और हमारा ब्लड फिर से फ्रीली मूव करेगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और दोबारा से हमारा न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा बाय SCN एंड AVN। और यही इवेंट ऐसे रिपीट करता रहेगा सीक्वेंस में, और प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहेगा। इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। सो गाइस, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, जैसे कि जो हार्ट बीट है वो रहता है हमारा 72 टाइम पर मिनट, यानी कि 72 कार्डिक साइकिल अकर होती है इन 1 मिनट, और 1 मिनट हमारा बराबर रहता है 60 सेकंड्स में, यानी कि 1 कार्डिक साइकिल जो है वो अकर होगी इन 0.8 सेकंड्स में। 0.8 सेकंड कैसे? जो कंप्लीट कार्डिक जॉइंट डायस्टोल रहता है वो हमारा 0.4 सेकंड्स के लिए, आर्टरी सिस्टोल रहता है हमारा 0.1 सेकंड्स के लिए, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल रहता है हमारा 0.3 सेकंड्स के लिए। कार्डिक साइकिल के दौरान हर एक वेंट्रिकल पंप करता है अप्रोक्स 70 ml ब्लड, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ हार्ट बीट के साथ में, तो हमें मिलता है कार्डिक आउटपुट, जो कितना होता है 40 ml पर मिनट, एवरेज नहीं तो 5 लीटर। एथलीट्स का जो कार्डिक आउटपुट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। सो गाइस, दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम कार्डिक साइकिल। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट मोर एनालिसिस एंड कंटेंट आई विल प्रोवाइड यू। थैंक यू।